नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय प्रकाश। अगले 5 मिनट में मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताऊंगा। हेपेटाइटिस का शाब्दिक अर्थ है लिवर में सूजन होना, और इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं: वायरस, अल्कोहल और ड्रग्स। और हेपेटाइटिस को मोटा मोटी हम लोग फंक्शनल तौर पे दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक अक्यूट हेपेटाइटिस, एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस का अर्थ होता है कि जो हो और कुछ दिनों में कंप्लीट ठीक हो जाए। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का अर्थ होता है कि जिसमें लिवर में सूजन 6 महीने से ज़्यादा रह जाए। आम तौर से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बिना किसी निश्चित इलाज के और बिना लंबे इलाज के ठीक नहीं होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में मुख्यतः 2 तरह की चीज़ें आती हैं, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, एक वायरस के चलते और दूसरा अन्य कारणों से। तो वायरस के चलते जो बीमारी है, वो 2 तरह के वायरस होते हैं जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं। एक को हम लोग बी वायरस कहते हैं अल्फ़ाबेट के नाम से, दूसरे को हम लोग सी वायरस कहते हैं। तो बी और सी वायरस हेपेटाइटिस कर सकता है, और यदि इसका इलाज या कंट्रोल नहीं किया जाए तो कालांतर में या गंभीर रूप से लिवर को डैमेज कर देगा और एक असाध्य सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी, जिससे मरीज की अकाल मृत्यु हो जाएगी या फिर लिवर में कैंसर हो जाएगा। तो बी और सी हेपेटाइटिस अनट्रीटेड, बिना इलाज के, बहुत गंभीर और घातक साबित हो सकता है। अब इसमें हो जाने पे क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि किसी अच्छे चिकित्सक के इलाज में रहना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि बी हेपेटाइटिस का आज के दिन में जड़ से कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। जो भी दवा चलेगी वो लंबे समय तक चलेगी, और इससे लिवर को फंक्शनली और स्ट्रक्चरली नॉर्मल रखा जा सकता है, वायरस को सप्रेस किया जा सकता है, मगर इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, टोटल उसको शरीर से निकाला नहीं जा सकता है, और सारे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड, बचाया जाता है। आज के दिन में स्थिति यही है। सी हेपेटाइटिस जो होता है, क्रॉनिक सी हेपेटाइटिस, जो पहले और असाध्य माना जाता था, सौभाग्य से कुछ अच्छी दवाएँ निकल गई हैं, और आज के दिन में हम कह सकते हैं कि 80% लोगों में इसमें कंप्लीट क्योर हो जाता है। मगर दोनों बात में ध्यान रहे कि कंप्लीट क्योर सी में हो या बी में सिर्फ सप्रेशन हो, मरीज को निश्चित अवधि पे डॉक्टर के फॉलोअप में रहना चाहिए, ताकि और भी कॉम्प्लिकेशन बाद में न हो सके। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में बात हुई, और इस संबंध में आप लोग अगर ऐसा किसी को हो तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें।